नमस्कार, मैं पिन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हॉलीवुड में जो आपका लाइव मॉक हुआ है एसएससी सीजीएल 2023 मेंस के लिए 26 और 27 अगस्त में, उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको एक एडवांस अप्रोच के साथ आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लास का पर्पस क्वेश्चन के साथ साथ आपको अप्रोच भी सिखाना है, ताकि उस अप्रोच को यूज़ करके आप कम से कम टाइम में ज़्यादा ज़्यादा जो क्वेश्चन है उन्हें आप सॉल्व कर सको और अपना जो स्कोर है उसे आप बूस्ट कर सको। इस जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस मॉक में आपका कितना स्कोर रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बीच में एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल 2023 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए टाइपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जहाँ पर सारे के सारे आपको प्रीवियस जो पैसेज हैं वो मिल जाएँ, तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है बिल्कुल एसएससी के इंटरफेस पर। इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एसएससी के जैसा है। यहाँ पर जो हमने फॉन्ट यूज़ किया है वो भी बिल्कुल एसएससी के जैसा है। उसके अलावा सबसे बड़ी खास बात इस सॉफ्टवेयर की क्या है कि ये सॉफ्टवेयर आपको आपकी एक्चुअल स्पीड बताता है, और यहां पे हमने आपको 250 एक्चुअल सीएचएसएल सीजीएल में आए हुए पैसेज जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराएं, यानी कि आपको सिर्फ इन्हीं पैसेज को बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो बिल्कुल आपका फ्री है, तो डेमो आप लोग एक बार जरूर लीजिएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप तुरंत परचेज कर लो, पहले आप डेमो लो। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो डेमो के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो ले सकते हैं। अब यहाँ पे खासियत क्या है कि ऐसा नहीं है कि 250 पैसेज आप, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है, आप 250 के 250 पैसेज एक दिन में प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, नॉर्मली अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हो, तो यही चीज़ आपकी टाइपिंग में भी है। आपको इररिलेवेंट कंटेंट को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कंटेंट ही इतना है कि इसी को बार बार प्रैक्टिस करो, आप 100% टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। उसके अलावा इसका जो प्राइस है वो हमने इतना कम कर दिया है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। 3 मंथ्स का जो प्लान है वो केवल 199 रुपीस का, यानी कि एक पैसेज 1 रुपये से भी कम कॉस्ट का पड़ने वाला है। तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो लीजिएगा, अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो डेमो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है आपका 145, ए बी जो है वो आपका 40 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है आपका ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो सबसे पहले आपको ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर आपका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab। वैल्यू रख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 145, और ए बी की वैल्यू 40 है, तो 40 दुना कितना हुआ 80, ये कितना आएगा 225। 225 पे जब हम लोग अंडर रूट लेंगे तो ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 15। तो ए प्लस बी की हमने वैल्यू निकाली, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आपका 145 माइनस ए बी कितना आपका 40, तो यहाँ पे कितना आ गया 15 और इंटू 105, तो 15×5=75 और 15×1=15 यानी कि 1575। डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ नहीं करना यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 1+sin θ का होल ऑफ स्क्वायर आएगा। तो अगर इसे खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab यानी कि 2sin θ, और नीचे कितना आएगा आपका 1+sin θ और इंटू आपका है कॉस थीटा। क्लियर, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया, तो 1+1 2 और 2sin θ ये, और नीचे कितना है आपका 1+sin θ। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 अगर कॉमन ले लोगे तो 1+sin θ ऊपर आएगा और नीचे क्या होगा 1+sin θ और कॉस थीटा। क्लियर, तो 1+sin θ कैंसिल, 2/cos θ मतलब इसे हम लिख सकते हैं 2sec θ, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, निधि और प्रेरणा
द्वारा क्रमशः 8 महीने और 1 वर्ष के लिए एक साझेदारी में 5,000 रुपये और 4,000 रुपये का निवेश किया गया। यदि कुल लाभ में निधि का जो हिस्सा है वो 1,200 रुपये है तो प्रेरणा का हिस्सा क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप में जो पैसा मिलता है यानी कि जो प्रॉफिट मिलता है वो आपका पूंजी और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो में मिलता है। तो यहाँ पे पूंजी का अगर हम अनुपात निकालें तो 3:0 से 3:0 कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि निधि ने 5 रुपये लगाए 8 महीने के लिए, क्लियर। उसके अलावा आपका प्रेरणा ने 4 रुपये लगाए कितने, 1 साल के लिए, दैट मीन 12 महीने के लिए। तो इसी रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा, क्लियर। यानी कि P1 और P2 का जो अनुपात होगा वो यही होगा। आप काट लो भाई, 4 से काटेंगे 4 2 8, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 6। यानी कि प्रॉफिट का जो अनुपात होगा वो 5:6 होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है यदि कुल लाभ में निधि का हिस्सा, तो निधि को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 1200। तो 5 की वैल्यू जो है वो 1200 के बराबर है। 1:1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 × 10 और 5 × 20, 240। तो हमें क्या निकालना है, प्रेरणा का हिस्सा। तो 6:1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 240, 24 × 6 आपका कितना होता है, 144, दैट मीन कितना हो जाएगा, 1440। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है सिंपल क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 12% छूट पर एक घड़ी खरीदी, यदि इसने इसे 24% छूट पर खरीदा होता तो उसे घड़ी 2400 रुपये कम में मिलती, घड़ी का बाजार मूल्य क्या होगा। अब आप देखो 12% छूट पे मिल रही थी, फिर 24% छूट मिली, यानी कि अगर 12% एक्स्ट्रा छूट मिलती है तो इसकी वजह से पैसे कितने छूट जाते हैं, 2400। यानी कि 12% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 2400 के बराबर है। तो 12 × 2 कितना हुआ, 24, 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 200। तो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी जाएगी, 20 और चिपका दो, दैट मीन कितना हुआ, 20,000, क्लियर। यहाँ पे घड़ी का बाजार मूल्य यानी कि MRP पूछ रहा है, तो MRP कितना आ जाएगा आपका, 20,000 आ जाएगा। यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का मान 30 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा क्या होगी। आपको पता होना चाहिए कि जो तीसरी भुजा है वो इनके डिफरेंस से बड़ी होगी, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा आपका, 39 और 30 का डिफरेंस कितना, 9। यानी कि जो भुजा होगी वो 9 से क्या होगी, बड़ी होगी, और इनके सम से छोटी होगी। तो 30 + 39 दैट में 69 से छोटी होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, पहला वाला, यानी कि 9 से 69 के बीच में होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी लेंथी लिखी हुई है। 20 लड़कों और 30 लड़कियों वाली एक कक्षा में दान के लिए कुछ धनराशि एकत्र की जाती है। प्रत्येक लड़के द्वारा एकत्र की गई धनराशि कक्षा में लड़कों की कुल संख्या की 80% थी और प्रत्येक लड़की द्वारा एकत्र की गई धनराशि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या की 90% थी। दान के लिए कक्षा द्वारा एकत्र की गई कुल धनराशि क्या होगी। तो कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो यहाँ पे ये समझो आप, बॉयज़ जो हैं वो कितने हैं, 20 है, ठीक है। गर्ल्स जो हैं वो कितनी है आपकी, 30। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लड़कों से, प्रत्येक लड़के से कितना पैसा लिया जाता है। प्रत्येक लड़के द्वारा एकत्र की गई धनराशि कक्षा में लड़कों की संख्या की 80% है, तो 20 का 80% दैट मीन हर एक लड़के से 16 रुपये लिया गया। तो टोटल 20 लड़कों से टोटल कितना पैसा हो गया, 16 × 32, यानी कि 320 रुपये कलेक्ट हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे लड़कियाँ कितनी हैं, 30। प्रत्येक लड़की द्वारा एकत्र की गई धनराशि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 50, इसका 90%, तो 5 × 9 = 45, यानी कि हर एक लड़की से 45 रुपये लिए गए। तो टोटल कितना पैसा कलेक्ट हुआ, 45 कितना होता है, 135, यानी कि 1350। तो टोटल कितना पैसा कलेक्ट हुआ, 0, 5 × 2 = 7 और 3 × 3 = 6 और 1, यानी कि 1670। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक सम षटभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो बहुभुज में विकर्णों की जो संख्या होगी वो n × n − 3/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे षटभुज यानी कि भुजाएं जो हैं वो कितनी है, 6, यानी कि n की जो वैल्यू है वो 6 है। रख दो यहाँ पे 6 और 6 − 3 यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 2/2। तो 6 × 3/2 दैट में 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9। सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफ़ी सिंपल है। एक बॉक्स में 1 से 20 तक की संख्या वाले 20 टिकटों को मिलाया जाता है और फिर यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है। निकाले गए टिकटों की संख्या 12 से कम नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 1 से 20 तक अगर भाई टिकट हैं, 12 से कम नहीं होना है, यानी कि 12 से लेकर के 20 तक टोटल संख्याएं कितनी होगी, इनका डिफरेंस ले लो कितना हुआ, 8 + 1, यानी कि टोटल संख्याएं कितनी होगी, 9।
तो जो प्रोबेबिलिटी होगी यानी कि इनकी प्रायिकता होगी वो क्या होगी, संभावनाएं कितनी है, 9 टोटल कितने में 20 में, यानी कि 9/20। तो पहला वाला जो ऑप्शन है यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, PCO यानी कि ये वाला जो कोण है आपका वो निकालना है, यानी कि केंद्र पर बना जो कोण है वो आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो अगर ये वाला एंगल 56 है तो आपको पता होगा कि ये वाला जो एंगल है वो भी आपका 56 होगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको सर्किल के पता होंगे, तो ये वाला जो एंगल है वो 56 हो गया। अब आप देखो यहाँ पे ये वाला एंगल दिया, ये वाला एंगल दिया है, तो ये जो होगा वो इसका बहिष्कोण होगा। बहिष्कोण अपने सामने वाले कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया, 8, 6, 14 और 5, 3, 8, 1, 9 हो गया, यानी कि ये 94 हो गया। तो ये 56, ये 94, यानी कि टोटल कितना हो गया आपका 150। ये कितना हो गया 150। तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के, 180। तो ये वाला जो एंगल हुआ वो कितना हुआ, 30। अगर परित पर बना कोण 30 है तो आपका केंद्र पर बना कोण कितना होगा, इसका जस्ट डबल, यानी कि 60 डिग्री। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि x और y के तीसरे अनुपातिक और x स्क्वायर और y स्क्वायर के बीच के मध्य अनुपाति का अनुपात क्या होगा। तो x और y का तीसरा अनुपात, तो यहाँ पे x y हमने मान लिया कि तृतीय अनुपाति इसका p है। तो अगर तीन संख्याएं समानुपात में हैं तो हम कह सकते हैं कि बीच वाली जो संख्या है उसका वर्ग जो होता है वो आसपास वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से यानी कि जो तीसरा अनुपातिक है वो कितना जाएगा, जो हमने p माना है वो y स्क्वायर बटे x आ गया, क्लियर। और एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर के बीच का मध्य अनुपाति, तो इसका मध्य अनुपाति क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, दैट मीन क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो इनका अनुपात निकालना है आपको, तो निकाल लो भाई, बाई स्क्वायर बटे एक्स और बटे में एक्स वाई हो जाएगा, तो बाई से बाई कैंसिल हो गया, आपका बाई बटे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 128, 72 और 168 का एलसीएम आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब भी एलसीएम का क्वेश्चन आए तो कोई भी नंबर एक एलसीएम मान लो, हमने मान लिया 128 जो है वो इसका एलसीएम है। अब जब हम 72 के पास गए तो 72 क्या होता है, 9, 8, 72। अब 8 तो है यहाँ पे क्योंकि 16, 8, 128 होता है, 16, 9, 144, तो 8 तो है यहाँ पे, 9 की कमी है तो 9 से गुणा करना पड़ेगा, क्लियर। अब हम 168 के पास गए तो 168 जो है यहाँ पे ये 16 से कट जाएगा, 16 से जब काटेंगे तो यहाँ पे 8 से कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी कितना हुआ आपका, 8 दूनी 16 और 8 एक 8 21 हुआ। 21 में भी आपका 21 को क्या ले सकते हैं, 3 × 7 = 21, तो 9 में 3 है 8 भी है, यानी कि 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो यही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब पूरा आपको गुणा भी करने की जरूरत नहीं, बस इकाई के अंक वाले कॉन्सेप्ट से करो। देखो 9 × 7 = 63 3 हुआ और 3 × 8 = 24, यानी कि वो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा जिसके लास्ट में 4 है। तो देखो क्या कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 4 है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का जो अंतर है वो 9 है। यदि संख्या के दो अंकों का योगफल 15 है तो मूल संख्या क्या होगी। आपको ये बात पता होनी चाहिए अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो कि संख्या और उसके अंकों को बदलने पर जो संख्या आएगी उनका जो डिफरेंस होता है वो 9x - y होता है और उसकी वैल्यू कितनी दी है 9। तो यहाँ पे x - y की जो वैल्यू है वो कितनी जाएगी 1। अब अंकों का योगफल यानी कि x + y कितना दिया हुआ आपका 15। आपको पता है कि अगर अंकों का अंतर दिया और अंकों का योगफल दिया है तो बड़ी संख्या अगर आपको निकालनी हो तो इनको जोड़ के आधा कर दो, तो 15 और 1 = 16/2 यानी कि 8 आ जाएगा, और छोटी संख्या निकालनी हो तो इन्हें घटा के आधा कर दो, तो 15 में से 1 गया तो कितना बचा 14 = 2 यानी कि 7। तो ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, इसका मतलब संख्या क्या हो गई, 8 × 10 + 7 × 1, दैट मीन कितनी हो गई 87, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये कैसे आया। देखो अगर हमने दहाई का अंक x माना और इकाई का अंक y माना तो संख्या क्या बनेगी, 10x + y। अगर इनके दहाई और इकाई के अंक चेंज कर दें तो संख्या क्या होगी, 10y + x। जब इसको इसमें से घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 9x - y, क्लियर। इस वजह से आया, इसको आप हमेशा डायरेक्ट याद रखो। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है चोर और पुलिस के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। चोर अपनी मोटरसाइकिल से 60 किलोमीटर/आवर की चाल से भाग जाता है और पुलिस समान दिशा में 75 किलोमीटर/आवर की चाल से अपनी जीप से उसका पीछा कर रही है। पुलिस द्वारा चोर को पकड़े जाने तक चोर के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, यानी कि
चोर के द्वारा चली गई दूरी आपको निकालनी है। पहले सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझ लो, चाहे चोर पुलिस वाला सवाल हो या बिल्ली चूहे वाला सवाल हो या कुत्ता बिल्ली वाला सवाल हो, जब भी कोई किसी का पीछा करे और पकड़े तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे इनके बीच का जो फासला है वो कितना है, 3 किलोमीटर, यानी कि पुलिस वाला यहाँ पे और चोर यहाँ पे। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे चोर पकड़ा गया, तो चोर कब पकड़ा जाएगा, जब जितनी देर में चोर यहाँ से यहाँ आया उतनी देर में अगर पुलिस वाला यहाँ से यहाँ आ जाए तो इसको पकड़ पाएगा। यानी कि जब भी दो चीज़ों का मिलन होता है तो मीटिंग टाइम ऑलवेज कांस्टेंट होता है, क्लियर। और अगर मीटिंग टाइम कांस्टेंट होगा तो आपको पता होना चाहिए कि D1/D2 जो है वो किसके बराबर होता है, B1/B2, यानी कि इनके द्वारा चली गई दूरियों का जो अनुपात है वो चाल के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो चोर की चाल कितनी है भाई, 60, और पुलिस वाले की चाल कितनी है, 75। तो 15 × 60, 15 × 5 = 75, यानी कि चोर के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 4 रेशियो, और पुलिस वाले के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 5 रेशियो। इनका डिफरेंस कितना, 1, और इनके बीच में गैप कितना है, दूरी का गैप कितना है, 3 किलोमीटर, यानी कि 1 की वैल्यू 3 के बराबर। तो चोर के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 3 × 12, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या का 3/5 भाग है, और शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई जो है वो 21 सेंटीमीटर है। यदि गोलाकार गेंद का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो 400 पाई सेंटीमीटर² है, तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे देखो गोलाकार गेंद की त्रिज्या, शंक्वाकार बर्तन की जो त्रिज्या है वो गोलाकार गेंद की त्रिज्या का 3/5 है, यानी कि अगर गोले की जो त्रिज्या है वो 5x है तो शंकु की जो त्रिज्या है वो आपकी कितनी है, 3x है, ठीक है। क्योंकि गोले की त्रिज्या का, यानी कि जिससे कंपेरिजन किया जाता है, हमेशा वो वैल्यू नीचे आती है, ठीक है। तो इसका मतलब है गोले की त्रिज्या अगर 5x हो गई तो शंकु की त्रिज्या कितनी है, 3x। अब जो शंक्वाकार बर्तन की जो ऊंचाई है वो 21 है, यदि गोलाकार गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 पाई है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², और इसकी वैल्यू कितनी है, 400π। वैल्यू रख दो यहाँ पे 4π, और यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी है, 5x, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25x² बराबर 400π। पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, 4 से काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 100। 25 × 4 कितना हुआ, 100, यानी कि x² बराबर 4, तो x बराबर कितना आ गया, 2। इसका मतलब है शंकु की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 3 × 6, क्लियर। अब क्या पूछ रहा है, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr² h, यानी कि 22/7, r² दैट मीन 6 × 6, और h की जो वैल्यू है वो कितनी है, 21। तो 7 × 3 = 21, 21 से 21 कैंसिल हो गया, आपका 6 × 2 = 12, और 6 × 2 = 12 और 1 = 13, फिर 6 से गुणा करो तो 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, और 1 = 19, और 6 × 6 = 1 कितना हुआ आपका, 7, यानी कि 792। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है किसी धनराशि पर 7% ब्याज दर पर 3 × 3/4, 3 × 3/4 का मतलब 4 × 3 = 12 और 3 = 15/4 वर्षों के बाद प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज धनराशि के 3/4 भाग पर 6% ब्याज दर पर 4 वर्षों के बाद प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज के बीच में 174.9 रुपये अधिक है, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो इतना है, तो धनराशि क्या होगी। तो हमने मान लिया कि धनराशि कितनी है, x, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो रेट कितनी है, 7%, और टाइम कितना है पहली बार में, 15/4 और इंटू आपका 100। दूसरी कंडीशन में जो धनराशि है वो कितनी है, 3/4, यानी कि 3x/4, और टाइम रेट कितनी है, 6, टाइम कितना है, 4/100। इसका जो डिफरेंस है वो 174.9 है। तो नीचे देखो 400 दोनों में, तो 15 × 7 = 105x, और माइनस 6 × 24 तिया कितना हुआ, 72x, बटे नीचे कितना है आपका, 400 बराबर 174.9। तो इसमें से जब घटाएंगे तो कितना जाएगा आपका, 5 से 2 गया तो 3, और 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 3। 33x/400 बराबर कितना है, 174.9। सॉल्व कर लो, x बराबर कितना हो जाएगा, 174, और यहाँ पे अगर 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 174.90 × 4 बटे कितना आएगा आपका, 33 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लो, 11 से कट जाएगा, 11 × 1 = 11, और कितना बचा आपके पास, 6 × 4, 11 × 5 = 55, और 11 × 9 = 99, 11 × 3 = 33, 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, तो इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 × 3 = 12, 80 + 1, और 4 × 5 = 20, और 1 कितना हुआ 21, यानी कि 2120। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री दी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली आप वैल्यू रख दो, 4 और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 - 10 स्क्वायर थीटा मतलब 1/3। तो इसे सॉल्व कर लो, 4/√3, और यहाँ पे कितना आएगा, 2/3। इसकी इससे गुणा होगी, इससे इसकी इससे गुणा होगी, यानी कि 4 × 3/2 × √3। तो 2 × 4, अब देखो 3 को क्या ले सकते हैं, √3 × √3, और नीचे √3 है आपका, तो 2 × √3। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी सिंपल है क्वेश्चन, आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो √75 दी हुई है, आपको p + 1/121 p की वैल्यू निकालनी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका स्क्वायर कर दो। जब इसका स्क्वायर करोगे आप, तो कितना आ जाएगा आपका, 11p, फिर उसके बाद +1/11p, a² + b² माइनस क्या आएगा, 2ab, माइनस का 2ab आएगा, तो a से इस वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 बचेगा, और √75 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 75 आएगा। इसका मतलब है 11p + 1/11p इज इक्वल टू कितना होगा, 77। 11 से इधर उधर डिवाइड कर दो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे p + 1/121p बराबर 11/77, यानी कि कितना जाएगा, 7। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है क्वेश्चन, देखो अगर हम यहाँ पे कॉस बीटा जो है वो कॉमन ले लें, कॉस बीटा अगर कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 1 - 2 cos² बीटा, क्लियर। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे साइन बीटा कॉमन ले लें तो 2 sin² बीटा - 1 बचेगा। आपको एक फार्मूला पता होगा, cos 2a का फार्मूला क्या होता है, cos² a - sin² है। ऐसे ही आप बीटा के टर्म में समझ सकते हो, तो इसे हम अगर कॉस के टर्म में लिखना चाहें तो क्या ले सकते हैं, 2 cos² a - 1, और साइन के टर्म में लिखें तो 1 - 2 sin² a लिख सकते हैं। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लो, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन इसको भी हम लोग क्या ले सकते हैं, cos 2a, और इसको भी क्या ले सकते हैं, cos 2a। तो इससे ये कैंसिल हो गया, cos β / sin β, दैट मीन cot β आ जाएगा, क्लियर। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इसे सिंपली आपको सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0, 5 - 25 और 5 - 35, 2 कितना हुआ, 37, और यहाँ पे कितना होगा आपका, इससे जब डिवाइड करेंगे तो 5 से काटेंगे 5 = 20, 5 - 25, 5 से काटेंगे 5 - 35 -28 × 120, और फिर पूरे को डिवाइड करना है 130 से, तो यहाँ पे 3750 माइनस कितना आएगा, 12 - 96, 9 × 12 = 24, और 9 कितना हुआ, 9 * 4 = 13, 33, और डिवाइड करेंगे किससे, 130 से, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 0 और 15 में से 6 गया तो कितना बचा, 9, और यहाँ पे 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3। 390 को 130 से डिवाइड करेंगे तो 33, 39, यानी कितना जाएगा, 3 आएगा, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 24 m × 20 m बीमाएँ वाले एक आयताकार तार को काटा जाता है, और इसे एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। हमेशा याद रखो कि जब भी कोई 2D फिगर से कोई 2D फिगर बनाया जाता है तो उनके परिमाप बराबर होते हैं, और अगर 3D फिगर से कोई 3D फिगर बनाया जाएगा तो उनके आयतन बराबर होंगे। इसका मतलब है कि इसका परिमाप वृत्त के परिमाप के बराबर होगा, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई + चौड़ाई, यानी कि 24 + 20, और वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, तो पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 × r, तो यहाँ पे 2 × 44, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 44/7 × r, तो 44 से 44 कैंसिल हो गया, यानी कि r बराबर कितना आ गया, 14। आपको पता होना चाहिए कि r 14 पर जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 616, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। कुछ पॉइंट आप याद रखो, जैसे r बराबर अगर 7 है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 154, r बराबर 14 पर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो 616 होता है, r बराबर 21 पे आपका कितना होता है, 1386 होता है, और r बराबर 28 पे आपका कितना होता है, 2464। ये कुछ मान आप डायरेक्ट याद रखोगे तो बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, चूँकि आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना कैलकुलेशन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि श्वेता की वर्तमान आयु उसकी माता की वर्तमान आयु की 2/5 गुनी, यानी कि श्वेता और उसकी माता की आयु का अनुपात 2:5 है।
9 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 95 वर्ष हो जाता है। तो 9 वर्ष के बाद यानी कि इसमें 9 जोड़ दिया और इसमें 9 जोड़ दिया तो इनका योग यानी कि कितना हो जाएगा, 2 और 5 को जोड़ेंगे यानी कि 7 रेशियो प्लस 9 9 कितना हुआ 18 और इसकी वैल्यू 95 है। तो 7 रेशियो इसको इधर ले जाएंगे तो 15 में से 8 गया तो कितना बचा 7 और 8 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 7। तो 7 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 11। आपसे पूछ क्या रहा है श्वेता की वर्तमान आयु, तो 2 × 11 यानी कि 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, दीपक ने एक शर्ट पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित किया, यदि वह अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है तो उसे लाभ के रूप में 180 रुपये प्राप्त होते हैं, शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर शर्ट जो है वो 100 रुपये की है यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो इसने इसका जो MRP है वो कितना बना दिया 10% ज़्यादा यानी कि 110 और फिर इस पर 5% का डिस्काउंट दिया यानी कि कितने का बेचा इसे 110 पे 5% का डिस्काउंट दिया यानी कि 95/100 में बेच रहा है। क्लियर, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 पचे 55 और 11 99 और 5 11 99 और 5 कितना हुआ आपका 104। क्लियर, पॉइंट लगा देंगे यानी कि ये कितने की चीज़ बिक रही है 104.5 की, 100 की चीज़ अगर 104.5 की बिक रही है यानी कि 4.5 का फ़ायदा हुआ और फ़ायदा कितने का हो रहा है 180 का, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे 45 चक्कू होता है आपका 180 यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू जो है वो 40 के बराबर आ गई। तो पूछ कह रहा है शर्ट का विक्रय मूल्य यानी कि 104.5 की वैल्यू पूछ रहा है, 104.5 × 40 तो यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे तो 1045 × 4 गुणा कर दो, 4 × 5 = 20 और 4 × 16 = 18 1 × 4 = 4 यानी कि 4180। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, 84 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और 66 समान घनाव में पुनः ढाल दिया जाता है। तो देखो 3D फिगर से 3D फिगर बना रहे हैं, इसका मतलब है इनके आयतन बराबर होंगे। यदि घनाभ की लंबाई 42 सेंटीमीटर है और सभी बराबर आकार के हैं, इसका मतलब मान लेंगे एक जो घन है उसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है, ठीक है, और घनाभ की ऊंचाई घनाभ की चौड़ाई का 7/8 है, तो घनाभ की चौड़ाई क्या होगी। देखो घनाभ की जो ऊंचाई है वो घनाभ की चौड़ाई का यानी कि कंपेरिजन किससे हो रहा है, चौड़ाई से, यानी कि चौड़ाई अगर 8x है, चौड़ाई अगर आपकी चौड़ाई जो है और चौड़ाई ही पूछ रहा है, चौड़ाई ही आपसे पूछ रहा है, चौड़ाई अगर 8x है तो आपकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 7x है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो गोले का आयतन है वो घन के आयतन के बराबर होगा, कितने 66 घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और r³ यानी कि 84 × 84 × 84 और 66 घन है यानी कि 66 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई कितनी है भाई 42, चौड़ाई कितनी है 8x और ऊंचाई कितनी है 7x, बस इसे सॉल्व कर लो भाई। देखो यहाँ पे 7 × 3 = 21 चक्कू कितना हुआ 84, ठीक है, उसके अलावा 22 से काटेंगे 22 × 3 कितना हुआ आपका 66, ठीक है, 42 से काट देंगे 42 × 2 कितना हुआ 84, ठीक है, उसके अलावा 4 × 2 = 8 से आपका 8 कैंसिल हो गया, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे 7 × 3 = 21 ये है और 21 चक्कू कितना हुआ आपका 84 यानी कि 4 × 16 x² की जो वैल्यू है वो कितनी आई 16, तो x बराबर कितना आ गया 4। क्लियर, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 8 × 32, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, अधिकतम 2 अंकों वाली अभाज्य अंक जो 21 से विभाजित होने पर शेष फल के अंकों का योगफल क्या होगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य जो संख्या होगी वो क्या होती है 97। अब कह रहा है 97 को 21 से भाग करो, जो शेष फल आएगा उसके अंकों का योगफल क्या होगा। तो ये कितने बार चला जाएगा, 21 × 84 होता है यानी कि 4 बार जाएगा, तो रिमाइंडर कितना होगा 97 − 84 यानी कि 13 आएगा, तो इसके अंकों का योगफल 1+3 यानी कि कितना हो जाएगा 4। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने राज्यों में अगस्त में उत्पादित चावल की मात्रा अगस्त में सभी 5 राज्यों में उत्पादित चावल की औसत मात्रा से अधिक थी। तो इसका औसत पहले निकाल लो कितना आएगा, 6 2 6 2 8 4 12 12 6 कितना हुआ आपका 18, हासिल लगा 1 9 6 15 3 18 15 3 18 और 9 कितना हुआ 27 27 और 7 34 34 और 1 35 और इसको डिवाइड किससे करोगे, टोटल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 5 से काटोगे तो 5 7 35
और 5 × 5 = 30, तो 71.6 से ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि तीन वैल्यू ज़्यादा है, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, ये दिए गए प्रेक्षणों 6, 12, 18, 45, 11, 87, 34, 56 एक्स का जो माध्य वो 30 है, तो प्रेक्षण का परास क्या होगा, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम रेंज पूछ रहा है। रेंज का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। तो माध्य यानी कि एवरेज, अगर कितनी संख्या है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ संख्या है, उनका एवरेज जो है वो 30 है, तो सम कितना होगा, 9 × 3 = 27, 270। इधर सम कितना है देखो, 12, 6, 18, 18, 8, 36 36 और 45 कितना हुआ 81, 81 और 11 कितना हुआ आपका 36 और 45 कितना हुआ 81, 81 और 11 जो है वो कितना हो गया आपका 92, 92 और 87 और 34 और 56 ये कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया 90। तो जोड़ लो इसे 7 × 2 = 9, 9 × 9 = 18, 18 × 8 कितना हुआ 26 और 1 = 27 यहाँ पे 7 × 2 है यानी कि 269 आएगा, 269 प्लस एक्स, तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 1, तो यानी कि सबसे छोटी वैल्यू 1 है और सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 87 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 86, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए जो है वो 68 डिग्री है, यदि आई जो है वो त्रिभुज का अंतः केंद्र है तो कोण बीआईसी क्या होगा। इस तरीके से ये फिगर बना हुआ है, आप समझ लो, फिगर से समझ में आ जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, आई इसका अंतः केंद्र है, तो ये जो आई होता है यानी कि ये वाला जो एंगल होगा कोण आई यानी कि बीआईसी जो होगा वो 90 प्लस कोण ए बाई 2 होगा, ठीक है। इधर से अगर इधर से देखोगे, इसके सामने देखोगे तो 90 प्लस सी बाई 2 होगा, और इस तरीके से देखोगे तो 90 प्लस बी बाई 2 होगा, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस ए बाई 2 मतलब 68 का आधा कितना हुआ 34, दैट मीन कितना हुआ 124, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है दूध और पानी के एक मिश्रण का माप 60 लीटर है, इसमें 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 25% हो जाए। तो ये एलिगेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो 60 लीटर का, 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें पानी कितना है 10%, मान लेते हैं एक्स पानी मिलाया जाए, तो जब पानी मिलाया जाएगा तो उसमें पानी 100% होगा, और मिलाने के बाद मिक्सचर बनाने के बाद टोटल में पानी कितना है 25%, तो एलिगेशन लगा दो, यहाँ पर कितना है 75 और यहाँ पर कितना है 15, तो 15, 25, 75 यानी कि 5 की जो वैल्यू है वो 60 है, तो 1 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 12, 5, 6, 8, 12 यानी कि इस 1 की वैल्यू कितनी होगी 12, यानी कि पानी कितना मिलाना पड़ेगा 12 लीटर, क्लियर, यानी कि पानी जो है वो कितना मिलाना पड़ेगा 12 लीटर, तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे सिंपल क्वेश्चन है कि यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 750 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। देखो 5 संख्याएं हैं तो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, तीसरी वाली संख्या एवरेज होगी और वो कितनी दी है 750, तो ये संख्या अगर 750 है तो क्रमागत है संख्या है, तो ये 751 होगी, ये 752 होगी, ये वाली 749 होगी, ये वाली 748 होगी, तो इनका सम क्या हो जाएगा आपका 1500, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दिया हुआ है यदि 62 व्यक्ति 420 मीटर लंबी सड़क को 40 दिनों में बना सकते हैं तो कितने व्यक्ति समान प्रकार की 315 मीटर लंबी सड़क को बनाने में 20 दिन लेंगे। तो ये M1 D1 T1 बटे W1 वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, हमेशा याद रखो कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और जो वजन है वो हमेशा वर्क में लिए जाएंगे। इसका मतलब है 62 जो व्यक्ति हैं वो 40 दिन में कितने मीटर लंबी सड़क बनाते हैं 420, तो आपसे पूछ रहा है कितने व्यक्ति 20 दिनों में 315 मीटर लंबी सड़क बना देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साल कर लो, 20 से काटेंगे, 20 दूना 40 हो गया, यहाँ पे 2 से काट सकते हैं तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 यानी कि 210 हो गया, 7 से काट सकते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 7 से अगर इसे काटेंगे तो 7 से काट लो, 7 × 6 = 28 और 7 × 5 = 35 और 7 से काटेंगे 7 × 3 = 21 15 × 2 = 30 और 15 × 3 = 45, 2 से काटेंगे तो कितना आया 31 और 31 × 3 यानी कि कितना जाएगा आपका 93, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। उसके अलावा अगर आप मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है।
इस सॉफ्टवेयर में सारे के सारे प्रीवियस हमने पैसेज दिए हैं। ऐसा मार्केट में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें प्रीवियस पैसेज हों, और प्रीवियस पैसेज ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 250 पैसेज हमने दिए हैं और यहाँ पे 3 महीने का जो प्लान है वो केवल 199 का, यानी कि एक जो पैसेज है वो 1 रुपये से भी कम कॉस्ट का पड़ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि आप इसी सॉफ्टवेयर से CHSL और CGL दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे पेड वर्जन में आपको 10 मिनट और 15 मिनट का जो टाइपिंग है वो मिलेगा, बाकी डेमो में 5 मिनट का टाइपिंग मिलेगा। तो आप लोग एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अगर आपको डेमो अच्छा लगता है तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।